नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे साउथ अफ्रीका टी20 लीग का मैच नंबर 7 जो खेले जाने वाला है डरबन सुपर जायंट्स वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच में। दोस्तों, मुकाबला 15 जनवरी को खेले जाने वाला है, 9 बजे मैच स्टार्ट होगा किंग्स में डरबन साउथ अफ्रीका की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में कितने ट्रंप कार्ड खिलाड़ी डरबन की तरफ से आपको मिलेंगे, कितने ट्रंप कार्ड खिलाड़ी दोस्तों जोबर्ग की तरफ से देखने को मिलेंगे, डरबन की पिच कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों बॉलिंग पिच है, ग्रैंड लीग की टीम आज के मैच में हम किस प्रकार से बना के चल सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम किस प्रकार से बना के चल सकते हैं, कितने ट्रंप कार्ड खिलाड़ी को ट्राई करना है, कौन कौन सा ट्रंप कार्ड खिलाड़ी आज के मैच में देखने को मिलेगा, तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट जरूर देख लेना। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर किंग्स में डरबन की जो पिच है वो कैसी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों फाइनल कॉम्बिनेशन आज के मैच में बना के चलेंगे। तो पिच दोस्तों आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर अभी तक 71 T20 के मैचेज खेले गए हैं। जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 39 मुकाबले जीत के रखे हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 32 मुकाबले इस पिच पर अभी तक विन किए हैं। एवरेज स्कोर दोस्तों फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है 152 का है। जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसका एवरेज स्कोर लगभग 150 प्लस का देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर यहां पर दोस्तों DSG की टीम ने किया था 216 रन, जो कि इस पिच का सबसे हाईएस्ट स्कोर है जो कि यहां पर डरबन का है। और आज का मैच भी दोस्तों डरबन का होने वाला है। उसके बाद दोस्तों DOL की टीम ने सबसे कम स्कोर है जो कि 59 रन पे 5 विकेट। बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, तो 150 से नीचे 30 बार स्कोर गया है, 150-170 के बीच में 20 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 13 बार स्कोर है, और 190 से ऊपर अभी तक दोस्तों इस पिच पर 8 बार स्कोर देखने को मिला है। बात कर लेते हैं बॉलिंग के बारे में, लास्ट के 6 मैचों के बारे में, तो पेसर्स को दोस्तों 48 विकटे, स्पिनर्स को अभी तक 14 विकटे अभी तक इस पिच पर देखने को मिली है। तो पेसर्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। तो कौन सा दोस्तों बॉलर आज के मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेगा, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कौन सा बॉलर दोस्तों आपको आज के मैच में सबसे ज्यादा विकेट निकाल के दे सकता है। बात कर लेते हैं रीसेंट मुकाबलों के बारे में, तो दोस्तों यहां पर रीसेंट में जो मैच खेले गए हैं MICT वर्सेस DSG के बीच में मैच हुआ, जिसमें दोस्तों ओनली 2 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, लेकिन पेसर्स ने यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस किया। 9 विकेट दोस्तों यहां पर जो मिली वो दोस्तों पेसर्स को मिली। फिर 2023 में लगभग जनवरी टाइम दोस्तों 2023 में यहां पर जो मुकाबला खेला गया था MICT के बीच में MSG, जिसमें दोस्तों 2 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 8 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली। फिर दोस्तों एक मुकाबला और खेला गया यहां पर डरबन वर्सेस PC के बीच में, 5 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिली थी, 7 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली। फिर यहां पर एक मुकाबला और है डरबन और PR के बीच में, 1 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को और 10 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली थी। तो हर मैच में दोस्तों पेसर्स इस पिच पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। CVC की चॉइस की बात करें तो पेसर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों ट्राई करके चल सकते हैं, राउंडर में काफी अच्छी अच्छी चॉइस देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीमों के हेड टू हेड के लास्ट के 10 मुकाबलों के बारे में, तो दोस्तों हेड टू हेड के अभी तक दोनों टीमों के बीच 2 मैचेस खेले गए हैं कि दोनों के दोनों मैच दोस्तों यहां पर जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम ने मैच को विन किया है। 2 के 2 मुकाबले इस टीम ने विन करके रखे हैं, और रिसेंट में दोस्तों यहां पर 3 मुकाबले इसने विन किए हैं, 2 मुकाबले यह टीम हार चुकी है, लेकिन यहां पर डरबन की टीम रिसेंट में मैचों को विन करके आ रही है। तो यहां पर दोस्तों हेड टू हेड में जोनबर्ग की टीम काफी ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगी। अभी तक दोस्तों 6 ही मुकाबले खेले गए हैं, तो बात कर लेते हैं इनकी फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहां पर दोस्तों आपको 3 विकेट कीपर ऑप्शन मिलेंगे जो कि डरबन की तरफ से आपको मिलेंगे। नंबर 1 पे क्विंटन डिकोक, नंबर 2 पे निकोलस पोरन, नंबर 3 पे दोस्तों हेनरिक कैलासन, 3 विकेट कीपर ऑप्शन में है। तो या दोस्तों आपको तीनों विकेट कीपर ट्राई करने हैं या फिर इनमें से 2 ही विकेट कीपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे दोस्तों इनका फाइनल हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर मर्डर आपको देखने को मिलेगा, फिर रेसी
ग्लिशन, फिर उसके बाद रेसिस थोपले, केशव महाराज है, किमोपोल है, और फिर दोस्तों यहां पर प्रिटोरियस आपको देखने को मिलेगा फाइनल प्लेइंग 11 में डरबन की तरफ से। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। सबसे पहले क्यूंटन डिकोक रिसेंट में 23 रन, फिर 5 रन, फिर 20 रन, फिर उसके बाद दोस्तों 23 रन, हेड टू हेड में 2 मैचेस खेल चुका है, बहुत बढ़िया बैटिंग है, हेड टू हेड में 42 का एवरेज स्कोर है। वेन्यू पे दोस्तों अभी तक इस खिलाड़ी ने 7 मैचेस खेले हुए हैं, 233 रन बना चुका है 38 की एवरेज स्कोर से। और साउथ अफ्रीका T20 लीग में दोस्तों अभी तक इस खिलाड़ी ने 11 मुकाबले खेले हैं और बैटिंग से 30 का एवरेज स्कोर है, लगभग 299 रन इस खिलाड़ी ने कंप्लीट कर दिए हैं 11 मुकाबलों में। इंपोर्टेंट होगा ओपनिंग बैट्समैन है और लगभग जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है 42 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे भी काफी अच्छी बैटिंग है, प्लस में दोस्तों T20 में भी साउथ अफ्रीका की जो लीग है उसमें भी दोस्तों 30 का एवरेज स्कोर है, बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैथ्यू रिसेंट में 43 रन, फिर उसके बाद यहां पर 39 रन, उसके बाद 4 रन, फिर 16 रन, फिर 8 रन, हेड टू हेड में 2 मैचेस ये भी खेल चुका है, 28 रन इसके पास है, 28 की एवरेज स्कोर से। वेन्यू पे दोस्तों 4 मैचेस खेल चुका है, टोटल 87 रन इसके पास है, और T20 में दोस्तों साउथ अफ्रीका की लीग में 6 मैचेस खेल चुका है, बैटिंग बहुत ही बढ़िया है, 53 का एवरेज स्कोर है, 207 रन इस खिलाड़ी ने कंप्लीट कर दिए हैं। दोनों ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पिच रहेगी वो बैटिंग के फेवर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, प्लस में दोस्तों यहां पर आपको पेसर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों निकोलस पुरन जो कि रिसेंट में 60 रन नाबाद बनाए, उसके बाद 2 मैचों में फ्लॉप था, फिर 39 रन, उसके बाद 82 रन, हेड टू हेड में पहला मैच है, वेन्यू पे दोस्तों एक मुकाबला खेल चुका है, 11 रन इसने टोटल बनाए थे, और साउथ अफ्रीका T20 लीग में 2 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 71 रन इसके टोटल नाम है, जो कि दोस्तों विकेट कीपर ऑप्शन में लगभग यहां पर ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हेनरिक कैलासन रहेगा, रिसेंट में इसने 13 रन नाबाद बनाए, फिर 85 रन, हेड टू हेड में 2 ही मुकाबले खेले हैं, 85 रन कंप्लीट है, 42 की एवरेज स्कोर से। वेन्यू पे दोस्तों 12 मुकाबले खेल चुका है, बैटिंग बहुत ही खतरनाक है, 42 का एवरेज स्कोर है, 342 रन है, और T20 में दोस्तों साउथ अफ्रीका की लीग में 66 का एवरेज स्कोर से 461 रन है, जो कि आपके लिए यूनिक सीवीसी देखने को मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से नंबर 1 का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी हेनरिक कैलासन आपको देखने को मिल सकता है, इंपोर्टेंट खिलाड़ी है, ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग टीम दोनों टीमों में दोस्तों ड्रॉप करके नहीं चलना है। उसके बाद दोस्तों जेजे ये आपके लिए सीवीसी में अच्छा चॉइस होगा, रिसेंट में भी दोस्तों 75 रन नाबाद, प्लस में 2 विकेट, फिर 94 रन 2 विकेट और 15 रन 0 विकेट, उसके बाद 56 रन, हेड टू हेड में एक ही मैच खेला था, फ्लोप है। वेन्यू पे दोस्तों स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं है, आप बैटिंग से अनुमान लगा सकते हो कि बैटिंग से आपको कुछ परफॉर्मेंस करके दे दे, बाकी दोस्तों यहां पर आप बॉलिंग से लगभग आपको शायद ही परफॉर्मेंस करके दे, 8 मुकाबले खेल चुका है, 2 ही विकेट अभी तक निकाली है, और साउथ अफ्रीका T20 लीग में 5 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, बैटिंग से 35 का एवरेज स्कोर है, टोटल 9 मुकाबलों में 277 रन टोटल इसके नाम है, और वेन्यू पे दोस्तों 28 का एवरेज स्कोर है। उसके बाद वियान मल्डर रिसेंट में दोस्तों फ्लॉप था, 0 विकेट, फिर 5 रन, 1 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, यहां पर भी 1 विकेट है, हेड टू हेड में दोस्तों अभी तक इस खिलाड़ी ने 2 मुकाबले खेले हैं, 1 विकेट इसके पास है, और वेन्यू पे दोस्तों 10 मैचेस खेल चुका है, 6 विकेट अभी तक निकाल चुका है, 38 की एवरेज स्कोर से 192 रन अभी तक इस खिलाड़ी ने ग्राउंड पे बनाए हुए हैं, और साउथ अफ्रीका T20 लीग में दोस्तों अभी तक इस खिलाड़ी ने 10 मैचों में 6 विकेटें निकाली है। लेकिन दोस्तों लगभग आज के मैच में मैं इस खिलाड़ी की 1 विकेट मान के चलूंगा, क्योंकि पिच के हिसाब से दोस्तों इसको 1 विकेट कंफर्म मिलना चाहिए, जो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलिंग होगा, वो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूंगा कि कौन सा बॉलर आज के मैच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस में सीवीसी में अच्छी चॉइस है। उसके बाद दोस्तों प्रिटोरियस रिसेंट में 2 विकेट लेके गए, फिर 6 रन नाबाद, 1 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट है, फिर 10 रन, 1 विकेट, 15 रन, रिसेंट में हर मैच में दोस्तों विकेट लेके जा रहा है, हेड टू हेड में एक ही मैच खेला था, 1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस कर चुका है। वेन्यू पे दोस्तों 11 विकेट है, टोटल 12 की एवरेज स्कोर से 63 रन इसके पास है, और साउथ अफ्रीका T20 लीग में 8 मुकाबले खेल चुका है, 13 विकेटें निकाल चुका है, बैटिंग से 34 रन बनाए हैं, 6 की एवरेज स्कोर से। किमोपोल की बात कर लेते हैं, रिसेंट में दोस्तों इसने 0 विकेट, फिर यहां पर 15 रन, 2 विकेट, 11 रन, 1 विकेट, 19 रन, 1 विकेट, हेड टू हेड में फ्लॉप है बैटिंग प्लस बॉलिंग से, और वेन्यू पे दोस्तों अभी तक इस खिलाड़ी ने 2 ही विकेट निकाली है। साउथ अफ्रीका लीग में दोस्तों 3 विकेट निकाल चुका है, टोटल 8
8 मैचों में 89 रन टोटल इसने साउथ अफ्रीका टी20 लीग में बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहां से दोनों बॉलिंग सेक्शन में आपके लिए एक ही खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा, वो कि दोस्तों आप पिटोरियस को ट्राई करके चल सकते हो कीमो पोल के ऊपर, अभी के लिए दोस्तों थोड़ा सा ड्रॉप करके चलो। उसके बाद दोस्तों केशव महाराज जो कि आपके लिए इस पिच पर 1 से 2 विकेट का जरूर परफॉर्मेंस करके देगा, यहां पर रिसेंट में लगातार परफॉर्मेंस करके आ रहा है, और डरबन सुपर जायंट्स का आपको कप्तान भी देखने को मिलेगा। तो इस पिच पर दोस्तों लगभग इस खिलाड़ी ने 18 मुकाबले खेले हैं, 20 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। 2 मैच दोस्तों हेड टू हेड में 1 विकेट है, और साउथ अफ्रीका लीग में दोस्तों 10 मुकाबले ये खिलाड़ी खेल चुका है, 6 विकेट इसके पास है। इस पिच पर दोस्तों लगभग आपके लिए सीवीसी में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी रेसिस थोपले रिसेंट में 1 विकेट, फिर यहां पर फ्लॉप था, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर दोस्तों 1 विकेट। तो यहां पर रेसिस थोपले को काफी हद तक आप सीवीसी ट्राई करके चलना, वेन्यू पे 5 विकेट है, और साउथ अफ्रीका लीग में 11 विकेट निकाल चुका है टोटल 10 मुकाबलों में, रिसेंट में भी दोस्तों 1 विकेट लेके आ रहा है, आपके लिए काफी अच्छी च्वाइस होगा, और लगभग दोस्तों ट्राई करके चलना है। बात कर लेते हैं फाइनल बॉलर की जो कि रिचार्ड ग्लिशन, रिसेंट में दोस्तों इसने 2 विकेट निकाली, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप था, फिर 1 विकेट, फिर यहां पर फ्लॉप। सीवीसी में दोस्तों काफी अच्छी चॉइस है, दोनों बॉलरों को आप सीवीसी में ट्राई करके चल सकते हो, वेन्यू पे 1 ही विकेट है। टी20 में दोस्तों साउथ अफ्रीका टी20 में 3 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली है टोटल 2 मुकाबलों में। ये दोस्तों आपको फाइनली डरबन सुपर जायंट्स का प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर इनके बेंच प्लेयरों की बात करें तो दोस्तों यहां से 6 बेंच प्लेयर हैं, इनमें से अगर कोई खिलाड़ी अपडेट होता है जैसे केएल मायरस अपडेट होता है, या फिर बानुका राजपक्षा है, फिर टोनी है जो कि अभी इंडिया के खिलाफ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था दोस्तों टेस्ट में भी ओडीआई में भी, उसके बाद यहां पर स्मिथ है, उसके बाद दोस्तों यहां पर जूनियर डाला, काफी अच्छे-अच्छे आपके लिए चॉइस हैं जो कि 6 ऑप्शन में हैं। इनमें से दोस्तों कोई खिलाड़ी अपडेट होगा वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों जोबर्ग सुपर जायंट्स की फाइनल प्लेइंग 11, तो यहां पर दोस्तों आपको मोइन अली, इमरान ताहिर जो कि दोस्तों आपको स्पिन के माध्यम से लगभग 1-2 विकेट आप इस खिलाड़ी की मान के चल सकते हो, लिजार्ड विलियम्स है, यहां पर दोस्तों बर्गर आपके लिए सीवीसी में काफी अच्छी चॉइस है, रोमारियो शेफर्ड है, यहां पर दोस्तों फाफ डू प्लेसी और रेजा हेनरिक्स ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, और दोनों खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को सीवीसी जरूर ट्राई करके चलना है। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा सबसे अच्छी चॉइस रहेगा सीवीसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले दोस्तों फाफ डू प्लेसी रिसेंट में कंटिन्यू 3 मैचों में फ्लॉप है, लेकिन हेड टू हेड में इसका बहुत ही बढ़िया बैटिंग होता है, 2 ही मुकाबले खेले हैं, 152 रन टोटल ये खिलाड़ी बना चुका है हेड टू हेड में, वेन्यू पे 1 ही मैच खेला था, 39 रन इसने बनाए थे, और साउथ अफ्रीका टी20 लीग में दोस्तों 36 का एवरेज स्कोर है, 375 रन बना चुका है टोटल 11 मैचों में। रेजा हेनरिक्स जो कि आपके लिए रिसेंट में फ्लॉप था, फिर 19 रन हेड टू हेड में 2 ही मुकाबले खेले हैं, और यहां पर 46 रन बना चुका है 23 के एवरेज स्कोर से, 9 मुकाबले दोस्तों ग्राउंड पे, 28 के एवरेज स्कोर से 258 रन है। साउथ अफ्रीका टी20 लीग में 23 का एवरेज स्कोर है, 239 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं टोटल 11 मैचों में। यहां पर दोस्तों जोबर्ग सुपर जायंट्स सुपर किंग्स की तरफ से दोनों ओपनिंग बैट्समैन को पिक करके चलना है, दोनों ओपन करने वाले दोनों खिलाड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद यहां पर रोनन रिसेंट में दोस्तों 9 रन, फिर यहां पर बैटिंग नहीं, फिर 4 रन, 120 रन, उसके बाद 83 रन, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है, और साउथ अफ्रीका टी20 लीग में 1 ही मुकाबला खेला था जो कि आपको ये रिसेंट वाला देखने को मिलेगा, विकेट कीपर ऑप्शन में है, और लगभग दोस्तों यहां पर 3 विकेट कीपर ऑप्शन डरबन की तरफ से है, 1 विकेट कीपर ऑप्शन जोबर्ग की तरफ से है, तो यहां पर एक ही लगभग 2 विकेट कीपर आप ट्राई करके चल सकते हो, हेनरी कैलासन को पिक कर लो, या फिर क्विंटन डिकोक के साथ चले जाओ, या फिर दोस्तों निकोलस पुरन को पिक कर लो, या फिर आप नंबर 4 का जो विकेट कीपर ऑप्शन है रोनन इसको ट्राई करके चल सकते हो, फिर 4 विकेट कीपर ऑप्शन में रहेंगे, 3 से 2 विकेट कीपर काफी अच्छी चॉइस देखने को मिलेगी, ये खिलाड़ी भी नंबर 3 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, लेडू प्लोय रिसेंट में यहां पर 48 रन, फिर यहां पर 7 रन, फिर 0, फिर 2, फिर 25, हेड टू हेड में फ्लॉप है, साउथ अफ्रीका टी20 लीग में काफी अच्छी बैटिंग करता है, 58 का एवरेज स्कोर है, ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा, रिसेंट में भी दोस्तों 48 रन का परफॉर्मेंस करके आ रहा है, और नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आएगा, सीवीसी में काफी अच्छी चॉइस है, 9 ही मैच खेले हैं, और 9 के 9 मैच में दोस्तों बहुत ही बढ़िया बैटिंग इस खिलाड़ी ने की है। उसके बाद दोस्तों फ्रारिया रिसेंट में 14 रन, फिर 12 रन, फिर 0,
जीरो रन, ये दोस्तों आपको बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके दे सकता है, शायद आपको एक दो ओवर अगर करवा दे और इसको विकेट मिल जाए तो काफी अच्छी च्वाइस होगी दोस्तों। दो मैच हेड टू हेड में बैटिंग बहुत ही बढ़िया है, 86 रन बना चुका है 43 के एवरेज स्कोर से, प्लस में एक विकेट है, और साउथ अफ्रीका टी20 लीग में 3 विकेट निकाल चुका है 18 के एवरेज स्कोर से, 178 रन टोटल बना चुका है 11 मैचों में। मोइन अली दोस्तों रिसेंट में 11 रन 0 विकेट, 23 रन 0 विकेट, यहां पर दो मैचों में लगातार एक एक विकेट, और 22 रन नाबाद प्लस में एक विकेट। साउथ अफ्रीका टी20 लीग में एक ही मैच खेला था जिसमें 11 रन का परफॉर्मेंस किया था, प्लस में दोस्तों ये आपको बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके दे सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूं। मैं पेसर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों ज्यादा यहां पर च्वाइस रखूंगा, जैसे रोमारियो शेफर्ड को पिक कर लो क्योंकि ये खिलाड़ी रिसेंट में 34 रन प्लस में एक विकेट लेके आ रहा है, 10 मुकाबले इसने साउथ अफ्रीका के खेले हुए हैं टी20 लीग के, 9 विकेट निकाल चुका है, बैटिंग से 23 का एवरेज स्कोर से 151 रन है, एक मैच वेन्यू पे 40 रन, दो मुकाबले दोस्तों हेड टू हेड में 40 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। पिछले इसके कुछ मैचेस देखोगे तो लगातार इसने परफॉर्मेंस किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों बर्गट जो कि रिसेंट में 2 विकेट लेके गया टी20 में, साउथ अफ्रीका टी20 लीग में 6 मैचेस खेल चुका है, 4 विकेट इसके पास है, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला था, फ्लॉप था, बाकी के हर 3 मैचों में रिसेंट के परफॉर्मेंस करके आ रहा है, प्लस में अभी इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज चली थी उसमें भी लगभग दोस्तों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, एक मैच में यूनिक और वॉइस कप्तान था, इंपोर्टेंट खिलाड़ी है। लिजार्ड विलियम्स 4 मैच खेल चुका है टी20 साउथ अफ्रीका लीग के, 6 विकेट इसके पास है, वेन्यू पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है, 6 मुकाबले खेल चुका है, 8 विकेट निकाल चुका है, और रीसेंट में दोस्तों लगातार इसके पास विकेट देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों जाहिर खान जो कि एक ही मैच खेला था साउथ अफ्रीका लीग का जिसपे फ्लॉप था, और रिसेंट में कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लॉप है, और पिच के हिसाब से दोस्तों स्पिनर्स के लिए इस पिच पर कोई खास हेल्प आपको देखने को नहीं मिलेगी, अभी के लिए हम इस खिलाड़ी को ड्रॉप करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों इमरान ताहिर फाइनल बॉलर जो कि रिसेंट में एक एक विकेट है, वेन्यू पे एक विकेट है, साउथ अफ्रीका टी20 लीग में एक विकेट है, जो कि एक ही मैच खेला था, इंपोर्टेंट बॉलर है, लगभग यहां पर एक विकेट केशव महाराज प्लस में दोस्तों इमरान ताहिर, दोनों आपके लिए दोनों टीमों में स्पिनर्स के लिए बेस्ट क्वालिटी के स्पिनर हैं, और दोनों को पिक करके चलना है स्पिन में। तो ये दोस्तों जोबर्ग सुपर किंग्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें इनके फाइनल बेंच प्लेयरों की तो 6 बेंच प्लेयर हैं, इनमें से कोई खिलाड़ी अपडेट होगा वो अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो बात कर लेते हैं फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी, तो दो तो दोस्तों यहां पर विकेट कीपर ऑप्शन आ गए, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पुरन, मैथ्यू और यहां पर पेटोरियस, ये आपके लिए 4 ऑप्शन में रहेंगे फैंटेसी के हाई सिलेक्शन में डरबन की तरफ से, और 4 खिलाड़ी दोस्तों यहां पर बर्गर, रोमारियो शेफर्ड, रेजा हेनरिक्स और फाब डुप्लेसी, ये 4 खिलाड़ी दोस्तों रहेंगे जो बर्ग की तरफ से आपके लिए सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन। यहां पर क्विंटन डिकॉक सीवीसी में अच्छी च्वाइस है, यहां पर निकोलस पुरन अच्छी च्वाइस, यहां पर दोस्तों फाब डुप्लेसी, रेजा हेनरिक्स और वॉइस कैप्टनसी के लिए बर्गर को ट्राई कर लेना अगर यहां पर जोबर्ग की टीम पहले बॉलिंग करवा रही है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में, तो यहां पर दोस्तों मैंने कैप्टनसी के लिए बैटिंग सेक्शन चुना है जो कि फाब डुप्लेसी को, वॉइस कैप्टनसी प्रेटोरियस को ट्राई किया है, यहां पर आप जो ट्राई करके चल सकते हो यहां पर भी वॉइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो, ये दोस्तों मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी। बाकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।